ये खुशखबरी की बात यह है कि मैं सनद सुनाने जा रहा हूं, सनद में वो सनद पर्नम्बट से होते जा रही, उमराबाद से निकल के पर्नम्बट से होते हुए फिर वापस उमराबाद जाके फिर वापस यूपी जा रही, दिल्ली यूपी होते हुए फिर उसके बाद वो मदीना जा रही सनद, यानी जो उस्ताद जाजा रहता है वैसा, जैसा कि बोलते मैंने सही बुखारी पढ़ी, मैंने सही बुखारी पढ़ी। तो मैं आपके सामने सही बुखारी की पहली सनद जो है इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह तक कैसे सनद पहुंचती है, मैं उसका एक नमूना देना चाहता हूँ। क्योंकि हैदराबाद में कुछ मुनकरी ने हदीस थे, हदीस का इनकार करने वाले थे, 40-50 सरगने थे, बड़े थे, वो हमेशा आम लोगों को बोलते थे ये हदीस है ना भाई, कैसे याद करे होंगे सनद, कैसे याद करे होंगे। तो उस वक्त पर मुझे ख्याल आया भाई इनको बताना पड़ेगा कि भाई हम आज से लेके इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की सनद याद कर सकते हैं, तो उस जमाने में 3-4 रावी याद करना उनके लिए क्या था, वो तो हमारे, हम तो छोटे कमजोर बच्चे हैं आज के 21वीं सदी के, और उस जमाने में जो थे अइम्मा थे वो, उनके बारे में, उनके हाफिज़े के बारे में हम जाते तो हमको शक नहीं आता, लेकिन आम आदमियों को नहीं मालूम ना, तो इसलिए वो शक में आता। इसलिए मैंने जानबूझकर वो सनद जो है कुरान की सनद भी सुनाया मैं बाद जवाब पर, और हदीस की सनद सुनाया, तो माशाल्लाह उसका असर ये पड़ा कि वो लोग करे भाई पॉसिबल है, इतनी बड़ी सनद जब सुनाए तो माशाल्लाह वो 30-40 जो थे वो पूरे के पूरे वापस माशाल्लाह एलिमिस हो गए, और जो है तौबा की, जिसकी वजह से हैदराबाद में घबरा कितना दबा, तो बाद में हर जगह पर लोग ख्वाहिश करे शेख को फिर सुना, तो होते होते वो एक बयान का हमारा हिस्सा बन गया। अभी शेख ने कहा कि यहाँ पर भी सुना दे, तो मैं सुनाता हूँ वो सनद, और खुशी की बात है कि वो सनद जहां से जा रहे हैं वहां पर बैठा हूँ पर्नम्बट में, और उमराबाद से होकर आ रहा हूँ, तो मुझे अच्छा लग रहा है कि इसमें मुनासिबत भी है, क्योंकि मौलाना शेख अब्दुल वाजिद अल उमरी रहमतुल्लाह शेख उल हदीस वो पर्नम्बट के रहने वाले थे, तो दायर बात है वो हमारे डॉक्टर अब्दुल्ला जोलम हफिदाउल्लाह के उस्ताद हैं। तो आइए सनद कैसा जाते देखते हैं। मैंने जो सही बुखारी पढ़ी है डॉक्टर अब्दुल्ला जोलम हफिदाउल्लाह से, डॉक्टर अब्दुल्ला जोलम हफिदाउल्लाह ने ये सही बुखारी उन्होंने पढ़ी है अपने उस्ताद अब्दुल वाजिद अल उमरी रहिमहुल्लाह से, अब्दुल वाजिद अल उमरी रहिमहुल्लाह ने ये सही बुखारी उन्होंने पढ़ी है अपने उस्ताद अबुल कासिम अल आदमी रहमतुल्लाह अलैह से, अबुल कासिम अल आदमी रहमतुल्लाह अलैह ने ये सही बुखारी उन्होंने पढ़ी है अपने उस्ताद अब्दुल रहमान तोहफतुल अहवली के मुअल्लिफ अब्दुल रहमान रहमतुल्लाह से, और इमाम अब्दुल रहमान रहमतुल्लाह ने ये सही बुखारी उन्होंने पढ़ी है अपने उस्ताद शाह नदीर हुसैन मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह से, शाह नदीर हुसैन मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने सही बुखारी पढ़ी अपने उस्ताद शाह मोहम्मद इसहाक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह से, शाह मोहम्मद इसहाक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने ये सही बुखारी उन्होंने पढ़ी है अपने उस्ताद शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह से, शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने ये सही बुखारी उन्होंने पढ़ी है अल्लामा शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह से, अल्लामा शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने ये सही बुखारी उन्होंने पढ़ी है अपने उस्ताद अबू ताहिर अल कुर्दी अल मदनी रहमतुल्लाह अलैह से, अबू ताहिर अल कुर्दी अल मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने सही बुखारी पढ़ी अपने उस्ताद इब्राहिम अल कुर्दी अल मदनी रहमतुल्लाह अलैह से, इब्राहिम अल कुर्दी अल मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने ये सही बुखारी उन्होंने पढ़ी अपने उस्ताद अहमद अल खशाशी रहमतुल्लाह अलैह से, अहमद अल खशाशी रहमतुल्लाह अलैह ने सही बुखारी पढ़ी अहमद अल शन्नावी रहमतुल्लाह अलैह से, अहमद अल शन्नावी रहमतुल्लाह अलैह ने सही बुखारी पढ़ी अपने उस्ताद इमाम रमली रहमतुल्लाह अलैह से, इमाम रमली रहमतुल्लाह अलैह ने सही बुखारी पढ़ी अपने उस्ताद इमाम ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह से, इमाम ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने सही बुखारी पढ़ी अपने उस्ताद हाफिज इब्ने हजर अल असक़लानी रहमतुल्लाह अलैह से, हाफिज इब्ने हजर अल असक़लानी रहमतुल्लाह अलैह ने ये सही बुखारी उन्होंने पढ़ी अपने उस्ताद अबू इसहाक़ अत-तन्नूकी रहमतुल्लाह अलैह से, अबू इसहाक़ अत-तन्नूकी रहमतुल्लाह अलैह ने सही बुखारी पढ़ी अपने उस्ताद अबुल अब्बास सालेह रहमतुल्लाह अलैह से, अबुल अब्बास सालेह रहमतुल्लाह अलैह ने सही बुखारी पढ़ी अपने उस्ताद इमाम अज़-ज़ुबैदी रहमतुल्लाह अलैह से, इमाम अज़-ज़ुबैदी रहमतुल्लाह अलैह ने सही बुखारी पढ़ी अपने उस्ताद इमाम सजदी रहमतुल्लाह अलैह थे, इमाम सजदी रहमतुल्लाह अलैह ने सही बुखारी पढ़ी इमाम दाऊदी रहमतुल्लाह अलैह थे, इमाम दाऊदी रहमतुल्लाह अलैह ने सही बुखारी पढ़ी अपने उस्ताद इमाम सरकसी रहमतुल्लाह अलैह से, इमाम सरकसी रहमतुल्लाह अलैह ने सही बुखारी पढ़ी अपने उस्ताद इमाम फिरबरी रहमतुल्लाह अलैह से, इमाम फिरबरी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैंने सही बुखारी पढ़ी इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह से। इस तरीके से ये सनद आगे चलती है। तो मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें मुहिब हदीस बनाए, मुहिब कुरान, मुहिब हदीस, मुहिब सनद, मुहद्दिसीन, उलमाए किराम, अहले इल्म के अल्लाह ताला हमें मोहब्बत करने वाला बनाए, इस्लाम की सच्ची मोहब्बत करने वाला बनाए। आमीन व आखिर दुआ।